दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस समय की बड़ी खबर लेकर आए हैं। वायनाड में होने जा रहा है उपचुनाव। जी हां दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का मामला गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है, जज छुट्टी पर चल रहे हैं और इसी माह उम्मीद है कि सुनवाई भी होगी। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के साथ मिलकर बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड पर होने वाला है उपचुनाव। इलेक्शन कमीशन के इन कदमों से मिला है संकेत। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वायनाड के लिए उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि दोस्तों नियम है, जब तक हाई कोर्ट से मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक वह सीट रिक्त रहेगी। लेकिन चुनाव आयोग को बहुत जल्दी है उपचुनाव कराने की। इसी क्रम में दोस्तों आपको बताते चलें, चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिया है राज्य चुनाव आयोग को, ईवीएम और वीवीपैट मशीनें तैयार करवाई जाएं, उनकी जांच करवाई जाए और इस क्रम में मॉक मतदान कराने की तारीख भी निश्चित कर दी गई है, जिसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा दोस्तों। वहीं दोस्तों, इस पूरी खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर है चुनाव आयोग पर और बीजेपी सरकार पे। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है? क्या आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में हैं? अगर समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हाँ राहुल गांधी के समर्थन में हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।